अरे मोदी, तू पहला था लोगों की सूची उजागर करने की कह रहा था। अरे वो सूची कैसे चला के लगती, आज तक जनता के सामने उजागर क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन उस सूची के अंदर 30 भाजपा नेताओं के नाम, 20 कांग्रेस के नेताओं के नाम, जो भारत को देश को लूटने का काम किया, हमारे देश का धन लूट करके स्विस बैंक के अंदर जमा कर दिया। इसीलिए 3 दिन पहले मेरे वर्ग किसी लीडर ने प्रधानमंत्री ऑफिस से न्यूज मांगी कि प्रधानमंत्री जी, आप वो काले धन की सूची दो मेरे को। तो मोदी जी क्या कह रहे हैं कि बच्चे मैं कह नहीं सकता, चुनावी माहौल है, कि उसको पता है कि सूची के अंदर काले धन में सबसे पहले मोदी का नाम है, राजकारी नाम है। जितने भी भाजपा के होनहार लीडर अमित शाह का भी नाम उस सूची में शामिल है। बीजेपी के 30 नुमाइंदों के नाम काले धन की सूची में पाया गया। 20 कांग्रेस के हाईकमान के बड़े बड़े नेताओं का नाम पाया गया। इसलिए काले धन की सूची को दबा दिया गया। फिर उसके बाद में मोदी जी ने कहा कि मैं नोटबंदी करने जा रहा हूं। अरे प्रधानमंत्री, मेरे को यह पता नहीं कि नोटबंदी से देश को नुकसान होगा या फायदा होगा। नोटबंदी कर करके गरीब लोगों को इतना परेशान किया कि गरीब व्यक्ति सुबह 10 बजे जाता था, रात की 8 बजे तक, 6-7 बजे तक लाइन में कतार में लगा रहता था। सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और मजदूर वर्ग को हुई। उसके बाद मोदी जी ने क्या कहा कि मैं जीएसटी लगाने जा रहा हूं। जीएसटी से भारत की आर्थिक व्यवस्था तो अर्थव्यवस्था को इतना जोरदार धक्का लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी गड़बड़ा चुकी है कि भारत को 20 साल पीछे धकेल दिया गया। फिर मोदी जी क्या कहते हैं, भारत स्वच्छ मिशन के नाम पर बात की सफाई करने जा रहा हूं। अरे मोदी, इतनी सारी योजनाएं लगाने के बाद आपने जो सर्वे करवाई उसमें क्या आया? भारत के सर्वे क्या कहते हैं कि भारत की दुर्दशा, भारत की आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ा चुकी है कि भारत 20 साल पीछे धकेल दिया गया। अब मैं कांग्रेस के हाईकमानों को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस 40 साल शासन करने के बाद मुसलमान भाइयों को क्या दिया। 40 साल शासन करने के बाद जब मोदी प्रधानमंत्री बना, बनते ही देश की सर्वे करवाई कि कौन सी जात नीची है, कौन सी जात ऊंची है। उसमें सबसे बदतर जिंदगी मेरे मुसलमान भाइयों की सच्चे समिति के मुसलमान। अरे लोग मुसलमानों, आपको शर्म नहीं आती कांग्रेस का नाम लेते हुए? कांग्रेस ने आपको क्या दिया 50 साल में? आज तक कुछ नहीं दिया। मुसलमानों को इतने पीछे अल्लाह की बेहतरीन उम्मत होते हुए कांग्रेस ने एक बेहतरीन उम्मत को इतनी कमजोर बना दी कि प्यारियों से बेहतर हो गई है। यह बात की सर्वे रिपोर्ट बता रही है, सच्चे समिति की रिपोर्ट बता रही है। दोस्तों, भाजपा और कांग्रेस एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनको अच्छी तरह से अपने दिल पर हाथ रख करके 3 नुमाइंदे आपके सामने है। एक तो अभिषेक बटेरिया, जो 10 साल से आप देख रहे हैं, क्या बता कितने ऐसे ऐसे काम कराए इसने, मैं बता नहीं सकता जनता के सामने। लेकिन इस अभिषेक बटेरिया, अमित चचान ने, इतने राजेंद्र चचान ने, आज तक राधे से हत्याकांड हुआ, आज तक राजेंद्र चचान ने उस धरने पर एक 10 मीटर नहीं देश का चक्रांत से हत्याकांड। अरे लोगो, अरे मेरे मुसलमान भाइयों, आपने अल्लाह की बेहतरीन उम्मत बनाई,
कुछ तो अपना दिल और दिमाग पे कंट्रोल करो, अपने वोट का सही हकदार कौन है। दो, ये राम किशन भाई बाकर किसान मोर्चा के निर्दलीय प्रत्याशी, जन जन का प्रत्याशी, अगर इनको तनमन से सहयोग दिया तो मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूँ कि मेरे मुसलमान भाइयों में लड़ाई झगड़ा और थाना तहसील और छेड़ा छुटाई 12 तारीख के बाद मेरे ग्राम के सन भाई और बदली पूरी पूरी कबरी कौम को एक सही दिशा के अंदर चलाए। 7 दिसंबर को और विधानसभा के चुनाव होने जा रहे, इसमें अभिषेक भटोरिया का कमल का फूल और राजेंद्र चौहान का बेटा अमित का हाथ। अब आपको ये देखना है तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा करके रामकृष्ण जी बहादुर को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय श्री दिलवाए ताकि आपका काम हो सके। इन शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।